ओम हम हनुमतये नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। पैसे से भरी तिजोरी या तंगहाली से होगा जीना मुश्किल, किसका होगा प्रमोशन और किसका होगा व्यापार में घाटा, क्या आपकी सेहत नहीं देती आपका साथ, तकरार या इजहार प्रेम जीवन के लिए कैसा है आज का दिन, कब से शुरू है आज का राहु काल, साथ ही हम जानेंगे आज के पंचांग, नक्षत्र और लकी कलर के बारे में। तो बिना देरी के जानते हैं आज का राशिफल। अब जानते हैं 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2078, शक संवत 1943, कली संवत 5127 है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास फाल्गुन है, ऋतु बसंत ऋतु है। आज चतुर्दशी तिथि रात 1 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज धनिष्ठा है जो रात 3:48 तक रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। आज का करण रहने वाला है विष्टि जो दोपहर 2:06 तक रहेगा, इसके बाद शकुनी करण लग जाएगा जो सुबह 1 बजे तक रहेगा, इसके बाद चतुष्पाद करण लग जाएगा। आज का बनने वाला योग परीक योग है जो सुबह 11:18 तक रहेगा, इसके बाद शिव योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मकर राशि में शाम 4:32 तक गोचर करेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:21 पर होगा। आज चंद्रोदय सुबह 6:41 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:57 तक रहेगा। और अब बात कर लेते हैं राहु काल की। जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है और आज राहु काल दोपहर 3:27 से शुरू होकर शाम 4:54 तक रहेगा। आज मासिक शिवरात्रि है। एक मार्च मेष राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज का दिन आपके लिए व्यस्त रह सकता है। कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप कोई यात्रा कर सकते हैं। अधिक चिंता किए बिना यात्रा की तैयारी करें। व्यवसाय के लिहाज से की गई यात्रा आपको लाभ दिलाएगी, बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें, आज कुछ कीमती सामान खो सकता है। आगे जानते हैं मेष राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन उन विषयों पर बात करने के लिए उचित है जिन पर अपने साथी ने अपना गुस्सा व्यक्त किया था। अवांछित गलतफहमी को दूर करने की भावनाओं को प्रकट करें, इससे आप दोनों के बीच की दूरी समाप्त होंगी एवं प्रेम बनेगा। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। आज में आपको महसूस होगा कि आपकी इंडस्ट्री आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से बदल रही है। आपको बदलते समय के साथ चलने के लिए नए तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। काम को कर लेना एक बात है लेकिन उसे ठीक से करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं वित्त के मामले में मेष राशि वालों, आज के लिए निर्देशित सिद्धांत यही है कि आप अपने पूंजी निवेश के क्षेत्र में परिवर्तन लाएं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेष जातक, आप सभी रुकावटों और विकारों को दूर करते हुए अच्छा महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा और कोई खास दर्द भी नहीं रहेगा। आपको इस अच्छे समय का सदुपयोग करना चाहिए और घर से बाहर निकलकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। आप हमेशा इस स्वास्थ्य को बरकरार नहीं रख सकते, तो आपको इस ऊर्जावान दिनों का सही उपयोग करना चाहिए। और आखिर में मेष राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 1:15 से 3:30 के बीच कोई भी जरूरी काम कर सकते हैं। सफेद रंग आपके लिए लकी कलर माना जा सकता है। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको सामाजिक गतिविधियों में शामिल करा सकता है। आज आप किसी महत्वपूर्ण समारोह में शामिल हो सकते हैं, किसी रिश्तेदार के घर में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं। आपकी मुलाकात अच्छे व्यक्ति से हो सकती है। आप परिस्थितियों के अनुसार काम करें, आपको जो अच्छा लगता है वैसा ही काम करें। किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके बेहद करीब है। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको अपने फौलादी इरादों से अपने साथी के बारे में अवांछित विचारों को निकाल देना चाहिए। आपस में व्याप्त गलत सहमे को मिटाने का भरस के प्रयत्न करें जिससे आपसी प्रेम में समझदारी बढ़ सके। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप अपने लंबे समय से रुके हुए कार्य योजना को पूरा कर सकेंगे। इससे न केवल आपको मानसिक शांति मिलेगी बल्कि करियर में भी वृद्धि होगी। अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें, इससे आपके अधिकारियों पर भी आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप बेकार के तनाव से भी बच सकेंगे। वहीं वित्त के मामले में वृषभ राशि वाला, इस समय किए गए आर्थिक पूंजी निवेश अत्यधिक फलदायक हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप इस अवसर का लाभ लेने के लिए अपना व्यावसायिक शोध कार्य छोड़ दें। आप अपने पूरे पूंजी निवेश के बारे में ध्यान से सोचें, चाहे वह छोटा ही व्यवसाय क्यों ना हो।
मजबूत नींव रखने के लिए उपरोक्त बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृषभ जातक, आज आप शारीरिक रूप से ठीक ठाक महसूस करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके खान पान में भी काफी सुधार होगा, आप जल्दी व्यायाम शुरू करने की भी सोचेंगे। ये सभी उचित निर्णय आपको स्वास्थ्य के सही पथ पर ले जाएंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। और आखिर में वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं। मिथुन राशि, कंभ राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप थोड़ा सा बेचैन महसूस कर सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है। आपके सामने नए अवसर आएंगे, किसी चीज के लिए समझौता करने से पहले विचार जरूर कर लें। नए अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं, काम करते रहें, परिजनों के साथ बातचीत कर सकते हैं। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपके साथी को आपसे रोमांस के अतिरिक्त दोस्ती की जरूरत है। उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और उसे भरपूर सहयोग दें। तनावपूर्ण माहौल से बाहर लाकर उसका हल्का फुल्का मनोरंजन करें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। कार्य क्षेत्र में आज आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई छोटी सी परेशानी बार बार आपको परेशान कर रही है। आज आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है या बिजली जा सकती है। कुछ भी हो, आपका काम तो रुक ही जाएगा। परेशान ना हो, इन परेशानियों पर आपका कोई बस नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी सभी फाइलों को पहले से सुरक्षित कर लें। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि वालों, आज आपको पूंजी निवेश के लिए एक नई योजना मिलेगी या ऑनलाइन व्यवसाय के रूप में भी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए नए तरीके अपनाने के लिए काफी बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको है। आज आप गिनी चुनी चुनौतियां स्वीकार करें, क्योंकि आपको ज्ञात होगा आपकी कुछ नई सोच आपके लिए बड़े आर्थिक लाभ लेकर आ सकती है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मिथुन जातक, आज आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी ऊर्जा का स्तर भी ऊंचा रहेगा। कुछ स्वास्थ्य विकार के बाद आप अपना स्वास्थ्य फिर से अच्छा महसूस करेंगे। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा का उपयोग कुछ जरूरी व्यायाम, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे खान पान को कायम रखने में। और आखिर में मिथुन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे के बीच का समय आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में सुधार ला सकता है। आज आपको बाहर जाना और नए लोगों से मिलना चाहिए। आज पिछले कुछ समय से अपने सामाजिक जीवन से थोड़ा निराश महसूस कर रहे हैं, इसे बचने के लिए दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपकी पुरानी सोच आपको रोमांटिक जिंदगी पीछे छोड़ देगी, जिसके कारण नए रिश्ते बन सकते हैं। अपने साथी के समक्ष अपने विचार रखने में ना हिचके तथा खुलेपन से आपसे रिश्तों पर विचार करें। हो सके तो बाहर घूमने जाएं। उम्मीद है कि इससे आपकी सोच एवं रिश्ते पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज का दिन प्यार पाने का है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप ऑफिस में उन लोगों से सावधान रहें जो कि आपकी मेहनत का प्रतिफल लेने की कोशिश कर रहे हैं। बस अपने काम पर नजर रखें और इस बात का यकीन कर ले, आपका सुपरवाइजर ये जानता है आप अपने काम को पूरे करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करते हैं। अपनी पूरी मेहनत को यूं ही बेकार ना जाने दें। वहीं वित्त के मामले में कर्क राशि वालों, इस वक्त पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों को सामने नहीं लाना चाहिए। यह समय पैतृक संपत्ति के मामलों के चर्चों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि परिवारों को विभाजन के गवार पर ले जा सकता है और परिस्थितियां भयावह रूप ले सकती हैं। अतः समय का इंतजार करना चाहिए तथा धैर्य से रहना चाहिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कर्क जातक, आज आपको स्वास्थ्य संबंधी अच्छी खबर मिलेगी। आज आपके मित्र को शराब की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं। इससे आपके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और आपका स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। और आखिर में कर्क राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सुबह 9:30 बजे से 11 बजे के बीच का समय आपके लिए काफी लकी माना जा सकता है। नीला रंग आपके लिए लकी कलर है। सिंह राशि, कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अच्छा महसूस करा सकता है। आज आप घर पर रहकर परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं जिसे आप ज्यादा लगाव रखते हैं। समय के साथ रिश्ते में गंभीरता भी आएगी। आज आपका मूड अच्छा रहेगा और इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा।
आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज अपने मन की भावनाओं को अपने साथी के समक्ष स्पष्ट रूप से रख दें। यदि आपको डर है कि प्रतिकार कैसा होगा तो लिखकर अपनी भावना को प्रकट करें। खत के माध्यम से अपने प्यार को प्रकट कर सकते हैं। एक दूसरे से बातचीत करके सुनिश्चित करें कि बीच में कोई गलतफहमी पैदा ना हो। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के करियर के बारे में। अब ऑफिस में समय से ना पहुंचने को अपनी आदत ही बना चुके हैं। आज समय पर पहुंचे वरना बॉस के सामने पेश होना पड़ सकता है। अच्छा होगा आप अपनी सभी सीमाओं का पालन करें, अन्यथा सभी की उंगलियां आपकी तरफ ही होंगी। वहीं वित्त के मामले में इस वक्त आपको उचित पूंजी निवेश का निर्णय करना चाहिए। अतः आपको इसके लिए आश्वस्त होना चाहिए। पूंजी निवेश के जरिए मिले आर्थिक लाभ आपको फायदे की ओर ले जा रहे हैं, जबकि आपकी उम्मीद से कम है। यदि आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो उस व्यवसाय को छाल का अवश्य फायदा उठा लें। प्रॉपर्टी डीलिंग के माध्यम से अज्ञात हो चुका है और यदि पूंजी निवेश की सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से अधिक समय तक लाभ मिल सकता है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। सिंह जातक, आपका स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा, फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसलिए आप नियमित व्यायाम करें। अगर आप खुद को ढीला महसूस करें तो तुरंत समझ जाइए कि आपका स्वास्थ्य गिर रहा है। थोड़ा सतर्क रहें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और आखिर में सिंह राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज के दिन का भरपूर आनंद उठाइए। दोपहर 3:20 से 4:30 के बीच का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है और बैंगनी रंग आपके लिए शुभ है। कन्या राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आप में आत्मविश्वास में कमी ला सकता है। आज आप व्यक्तिगत या व्यवसायिक कारणों से थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। आपके आसपास के लोगों के मूड पर आपका प्रभाव पड़ेगा। आप अपने मूड को जल्दी से ठीक कर लेंगे। आप सभी फिर से अपना सामान्य दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। ध्यान केंद्रित रखें, जीवन जल्द ही सामान्य भी हो जाएगा। आइए जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज अपने प्यार भरी जिंदगी के प्रति उदासीनता का अनुभव करेंगे। कुछ है जो आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ा रहा है, जिसके कारण आप तनाव में भी हैं। आप हिम्मत रखें और अपने साथी के साथ इस बारे में विस्तार से विचार करें। आप पाएंगे कि छोटी मोटी परेशानियां स्वयं ही दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आप खुद को अलग सा महसूस कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में अपने बॉस से बात करनी चाहिए। हो सकता है आपको विदेश भेजने की तैयारी चल रही हो और शांतिपूर्ण बात करने से आपकी समस्या का हल निकल सकता है। वहीं वित्त के मामले में कन्या राशि वालों, वास्तव में आपको निश्चित रूप से पुरानी पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद या आभूषण के रूप में प्राप्त होगी। यह आपके द्वारा कमाया हुआ धन नहीं है, अतः आपको इसके लिए एक आकर्षक इनाम है। इस आकर्षक तोहफे की सराहना करें क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार लाएगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या जातक, आज आप सीखेंगे कि खुद को किस प्रकार अच्छी तरह प्रकट किया जा सकता है, जिससे दूसरा को आसानी से समझ सके। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें ताकि कोई स्वास्थ्य विकार ना हो। आपको अपने काम और रिश्तेदारों में सही संचार के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। आज आपको पुस्तकालय से कोई महत्वपूर्ण मंत्र या सलाहकारों की सलाह लेनी चाहिए। और आखिर में कन्या राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार भाग्य को आकर्षित करने के लिए लेवेंडर रंग में कुछ पहने। 4:00 से 6:00 के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। तुला राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। कुछ मुद्दे आपको काफी समय से परेशान कर सकते हैं, समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकते हैं और आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप चाहेंगे कि आप चाहने वालों से घिरे रहें, आपको अतिरिक्त उत्साह एवं जोश मिल सके। आज इसकी आपको जरूरत है। आज आप उसके पहचान करने में सक्षम होंगे कि कौन आपके पक्ष में है और कौन विपक्ष में। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। आज ऑफिस में आपको अपने लोगों के विरोध को झेलना पड़ सकता है। इसे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल ना लें, यह आपके लिए फायदे के लिए ही है। इसे खुले दिमाग से स्वीकार करें। वे क्या कह रहे हैं इसे समझने की पूरी कोशिश करें, चाहे बाद में आपको उस बात से इत्तेफाक भी न रखें। वहीं वित्त के मामले में तुला राशि वालों, इस समय संपत्ति को लेकर किसी पारिवारिक झगड़े की संभावना हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर बहस को ना होने दें, वो इसको पूरी कोशिश करनी चाहिए। दूसरे परिवारों को कब्जे से होने वाले विभाजन से भी आपको बचना चाहिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। तुला जातक, आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और मनोबल ऊंचा रहेगा। आज आप बंदी आदतों से निजात पाना चाहेंगे और कुछ नया करेंगे। धूम्रपान से दूर रहें और ताजा जूस पीने की आदत को डालें।
आप इस सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी सेहत को ठीक करने में लगाएं। इसे आप अपने मूड और ऊर्जा स्रोत में काफी अंतर देख पाएंगे। दिन के अंत तक आपका दिमाग, शरीर और आत्मा मजबूत रहेगी। और आखिर में तुला राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज के लिए लाल रंग से आपको बचना चाहिए। शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच का समय आपके लिए काफी भाग्यशाली है। वृश्चिक राशि, आज आपको और अधिक रूप से काम करने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपके रास्ते में आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने में आपकी मदद करेगा। किसी भी रिश्तेदार के साथ गलतफहमी दूर कर पाएंगे। आज का प्रयास करने से निराशा से आप बच सकते हैं। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको सच्चाई से अवगत होने का अवसर मिलेगा, जिसे एक साथी पर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आपकी गलत लोगों से वह खूबियां ढूंढने की आदत है जिन्हें आप चाहते हैं। अपने प्रति वफादार हों और लंबे समय तक रहने वाली खुशियों के बारे में विचार करें। ऐसे व्यक्ति को चुनें जो सही मायने में आपकी इज्जत करे और आने वाले समय में खूब खुशियां दे। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप अपने काम से परेशान रहेंगे। आपको महसूस होगा कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, पर आपको उनसे आपका प्रभावित होता है। आपको अपने काम के आधार पर परखा जाएगा, लेकिन आप सोचते हैं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। आज इस बारे में अपने बॉस से बात करने में ना हिचकिचाएं, वो आपके विचारों से सहमत ही होंगे। वहीं वित्त के मामले में वृश्चिक राशि वालों, आज आए गए नए स्रोतों से धन आने की संभावना है। आज वह दिन है जिसे आपको लंबी अवधि के लिए किए गए पूंजी निवेश से लाभ होने वाला है। यदि आप किसी खाद्य सामग्री अथवा अनाज के व्यवसाय में हैं, तो आज का दिन लाभकारी है। आप देखेंगे कि आज आपको किए गए कठिन परिश्रम का फल मिलने वाला है। यह लाभ आपके अतिरिक्त कोष के माध्यम से स्वागत योग्य हो सकता है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज कुल मिलाकर आपकी सेहत काफी अच्छी रहने वाली है। जिन लोगों ने व्यायाम करना बंद कर दिया है या जो लोग व्यायाम करने की सोच रहे हैं, वो लोग अब इंतजार बिल्कुल न करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब आपको पूरे साथ के साथ शेयर मंत्र को पाने में जुट जाना चाहिए। और आखिर में वृश्चिक राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार नुकसान से बचने के लिए नीले रंग में कुछ पहने। शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच का समय आपके लिए काफी लकी माना जा सकता है। धनुराशि, कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त होगा। मान सम्मान धन आपको प्राप्त हो सकता है। अपने विचार को वास्तविकता में बदलने का पूरा प्रयास करें। आप अपने जीवन से संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। आप अपने संपर्कों और प्रभाव का उपयोग अच्छे परिवर्तन के लिए कर सकते हैं। घमंड बिल्कुल भी ना करें। आइए जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने साथी के साथ जिंदगी का भरपूर आनंद लेंगे। भावनाओं में बहकर अपने रिश्ते को रोमांस से भरपूर कर लेंगे। सकारात्मक सोच कायम रखते हुए अपने साथी को भरपूर प्यार भी दें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के करियर के बारे में। आज काम में आज किसी ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जिससे आपको निराशा ही होगी। आज शायद अपने बॉस से अपनी पदोन्नति की बात करने वाले हैं। हो सकता है आप जिस परिणाम की उम्मीद कर रहे थे वो आपको ना मिल सके। ऐसे में आपको अपने फैसले को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। वहीं वित्त के मामले में धनु राशि वाले, अपने घर में बढ़े हुए खर्चों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी आय बढ़ने की प्रबल संभावना है। आज अपना धन बड़े निवेश में लगाएं तथा छोटे मोटे नफा नुकसान पर ध्यान बिल्कुल भी ना जाएं। प्रत्येक आर्थिक उछाल से आप अपने मस्तिष्क में तनाव एवं चिंता न करें, क्योंकि इससे आप अपने जीवन को सहज महसूस नहीं करेंगे तथा इससे आपकी आय की क्षमता में भी बाधक हो सकते हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। धनु जातक, अगर आपके बालों की समस्या है तो वह सुधरती नजर आएगी। आप इसका स्वागत करें और इस बदलाव का इस्तेमाल अच्छा महसूस करने और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने में करें। और आखिर में धनु राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार नई साझेदारी और व्यवसायिक काम के लिए शाम 4:15 से 5:45 के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। गोल्डन रंग आज आपके लिए लकी कलर माना जा सकता है। मकर राशि, कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपके और आपके परिवार के बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। चीजों को अपनी तरफ से स्पष्ट रखने की कोशिश करें ताकि आप पर बिना वजह परेशान आप ना हो, और इसके साथ बहस बिल्कुल भी ना करें। धैर्य रखने से आपको काफी मदद मिलेगी। आइए जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन होने वाले पति या पत्नी के बारे में व्याप शक को दूर करने का दिन है।
यदि आपको इसके बारे में कुछ शक है तो वह केवल अपने तक सीमित न रखें बल्कि उसके बारे में अपने दोस्तों एवं प्रियजनों से चर्चा करें और तभी निर्णय लें। जीवन साथी का चयन करने में अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए। अब जानते हैं करियर के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपका काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। कुछ नई योजनाओं से जुड़ जाने से आपके काम का बोझ और ज्यादा बढ़ गया है। ध्यान रखें, अगर आप अपना काम समय पर खत्म कर पाए तो आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। वहीं वित्त के मामले में मकर राशि वालों, पैतृक संपत्ति का विभाजन अपने नजदीकी रिश्तेदारों के बीच हो सकता है। पैतृक संपत्ति से उपजे विवाद छोटी घटना को भी कठिन समस्याओं में तब्दील कर सकते हैं। यदि आप शक्तिशाली पारिवारिक पक्ष में उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो स्थिति भयावह हो सकती है। बेहतर है कि आप पीछे हट जाएं। यदि पैतृक संपत्ति के लिए उलझना आप नहीं चाहते तो अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, इसलिए आप नई संकोच होकर कार्य कर सकते हैं। आज मानसिक परेशानी भी कम होगी और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ मजा भी कर सकते हैं। क्यों ना अपनी खुशी को सबके साथ बांटें और दिन को यादगार दिन बनाएं। और आखिर में मकर राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए शाम 4:15 से 5:45 के बीच का समय अच्छा माना जा सकता है और सौभाग्य के लिए बैंगनी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा के पारगमन के कारण आप अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आप सकारात्मक और रचनात्मक तरीका अपना सकते हैं। सोच और गहनता के साथ बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। कोई आपकी समझ और परिपक्वता से लोग कुछ प्रभावित हो सकते हैं। आज के दिन का आनंद लें। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अपने रोमांटिक जीवन में गलतफहमी एवं मतभेद के कारण कलह होने की संभावना है। अपने किसी विश्वासपूर्ण दोस्त को सुलह कराने को कहें। समय के साथ ही संबंध सामान्य होंगे। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। आज आप पाएंगे कि आपका काम का क्षेत्र बदल दिया गया है और आपको कोई नया काम भी सौंपा जा सकता है। किसी न किसी प्रकार का बदलाव आपके साथ अवश्य ही होगा। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तनाव क्षणिक है और आप जल्दी इससे उभरने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं वित्त के मामले में कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक होगा और आपका काम बढ़ेगा और सारे विकल्प को अपनी कंपनी में बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। आप अपने विक्रय राशि को बढ़ाने में समर्थ रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि कुछ अपने बुरे वक्त के लिए भी संभाल कर रखें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आपकी नकारात्मक सोच आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है। इससे आप महसूस करेंगे कि आपको नुकसान भी पहुंचाने के साथ साथ जीवन का आनंद लेने से भी कठिनाई हो सकती है। आपको इन सबसे छुटकारा पाना होगा। और आपका स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं तो अपने दिमाग पर संयम रखें तो स्वास्थ्य भी ठीक ही रहेगा। और आखिर में कुंभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 12:00 से 2:00 के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से आपको सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होगी। मीन राशि, आज आपका मन शांत रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको परेशान नहीं करेगा। अपने आप को आराम दें और अपनी चिंताओं को छोड़ने की कोशिश करें। आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। किसी योजना को निश्चित समय पर पूरा करने की कोशिश भी करें। अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। किसी काल्पनिक साथी के बारे में सोचने के स्थान पर अपने वास्तविक संबंध सुधारने की कोशिश करें। काल्पनिक साथी के बारे में सोचने से आपके संबंध पर बुरा असर पड़ सकता है। हम सभी में कमियां होती हैं, पर हम सभी किसी प्यार करने वाले की चाहत भी करते हैं। अब जानते हैं मीन राशि वालों के करियर के बारे में। आपकी सकारात्मक सोच से व्यवसायिक क्षेत्र में आपको काम करने में बहुत से मौके मिलेंगे। आप में से कुछ लोगों को अपनी मेहनत के लिए एक अलग पहचान भी मिल सकती है। अपने करियर पर ऊंचाई को ले जाने के लिए आपको अपने सकारात्मक सोच का सहारा लेना चाहिए। वहीं वित्त के मामले में, अगर आप यात्रा संबंधी काम करते हैं तो आज का दिन लाभदायक होगा। अपने आप को सतर्क रखें। यदि कोई नया मौका आता है तो उसे हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। अनचाहे लाभ का अंदेशा है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य का मद्देनजर रखते हुए आपके लिए अच्छा दिन है, जब अपनी क्षमताओं को जानकर अपने कार्य पर केंद्रित हो सकेंगे। अच्छे खान पान पर ध्यान दें और खुद को मनोरंजक गतिविधियों में व्यस्त रखें ताकि आप अपना ऊर्जा का स्तर बनाए रख सके। आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ता देखेंगे, इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आपका दिन भी आनंदमय रहेगा। और आखिर में मीन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार हरा रंग पहनने से आपको शांति प्राप्त होगी।
शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय आपके लिए काफी लकी माना जा सकता है। यह राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। अगर आप कुंडली विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिष आचार्यों से। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।